जन जागृति मंच द्वारा गुजैनी जी ब्लॉक रामलीला मंच पर तुलसी जयंती की पूर्व संध्या पर गोस्वामी तुलसीदास की जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक सुरेंद्र मैथानी ने दीप प्रज्वलन कर किया। मूसलाधार बारिश में भी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए कार्यक्रम स्थल पर दौड़ते हुए पहुंचे। बारिश के बावजूद कार्यक्रम स्थल पर एकत्र सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने करतल ध्वनि से विधायक मैथानी का स्वागत किया। मैथानी ने कहा, देश में शायद ही कोई हिंदू परिवार ऐसा होगा जिस घर में रामचरितमानस उपलब्ध ना हो। गोस्वामी तुलसीदास ने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि बेहद लोकप्रिय हैं। तुलसी के विषय में विस्तार से चर्चा करते हुए विधायक ने चर्चा की और कहा कि जन जागृति मंच द्वारा गोस्वामी की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि संस्था के पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हैं, इससे मैं आयोजकों को बधाई देता हूं। कार्यक्रम स्थल पर रामलीला मंच से बरसाती बूंदें टपकती देख विधायक ने रामलीला मंच के टीन शेड की मरम्मत कराने की घोषणा की। प्रमुख रूप से संस्था के अध्यक्ष विनोद मिश्र ने कहा कि हमारी संस्था पिछले कई दशकों से बिना कोई सरकारी आर्थिक सहायता या चंदा अनुदान लिए बगैर निस्वार्थ सामाजिक सेवा कर रही है। विधायक ने बरसते पानी में उपस्थित होकर हम सभी का दिल जीत लिया है। इस अवसर पर कुछ लोगों द्वारा गुजैनी जी ब्लॉक टेम्पो स्टैंड से रामलीला पार्क को आने वाली नवनिर्मित सड़क की शिकायत करने पर उन्होंने यथाशीघ्र समस्या निराकरण का आश्वासन दिया। प्रमुख रूप से सर्व पंडित विनोद मिश्र भाजपा रतनलाल नगर मंडल के महामंत्री, सुमित पावा कानपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष गुंजनलाल शर्मा, सुमन मिश्रा, राजेंद्र गुप्ता, रमेश यादव, मनोज यादव, राजनारायण पांडे, विनोद तिवारी, प्रदीप मिश्रा, धर्मेंद्र चौहान, रवि त्रिपाठी, राधा यादव आदि लोग उपस्थित थे। विराट 24 न्यूज के लिए कानपुर देहात से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल है, 25 बेडों का ये अस्पताल है, जिस पर दवाओं की कमी की शिकायतें मुझ पर आ रही थी। मैंने आज वहाँ जाकर के औचक निरीक्षण किया। डॉक्टर वहाँ और नर्सिंग स्टाफ पूरा वहाँ, फार्मासिस्ट भी, सभी लोग उपस्थित। सुंदर अस्पताल है, बेडों की व्यवस्था भी अच्छी है, परंतु दवाओं का टोटका मैंने पाया कि दवाएं मरीजों को वहाँ पर कुछ खरीदनी पड़ रही, उसकी और अधिक अच्छी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। रजिस्टर पर मैंने देखा कि आज बरसात के कारण से 15 पेशेंट और एवरेज में माह में 35 से 40 पेशेंट मरीज रोज दिखाने के लिए आते हैं। 25 बेडों के उस अस्पताल में जब रजिस्टर को मैंने चेक किया तो 3 से 4 मरीज मात्र उन बेडों पर भर्ती हो पाते हैं। ये बात अलग है कि आयुर्वेदिक पद्धति में मरीज बेडों पर भर्ती कम होते हैं, लेकिन एक जगह अस्पतालों में बेडों की कमी हो और दूसरी जगह हमारे पास 25 बेड हो तो उनका सदुपयोग होना चाहिए। मैंने वहीं पे हिदायत दी उनको कि हमने कहा दवाओं की व्यवस्था पूरी करिए, अन्यथा मुझे बताइए, मुझे अवगत कराइए, मैं उसकी व्यवस्था करूँगा। मैंने वहीं से हमारे यूनानी आयुर्वेदिक जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं डॉक्टर विजय कटियार जी से मैंने फ़ोन से बात करी और मैंने उनसे कहा है कि यहाँ पर दवाइयाँ अविलंब पूर्ण कराइए। दवाओं के अभाव में मैंने वहाँ जो मरीज थे, महिला मरीज और पुरुष मरीज, उन्होंने इसकी पुष्टि की। मैंने कहा दवाओं के अभाव में मरीज वहाँ पर कम नहीं होने चाहिए। ओपीडी में दिखाने वाले ये 35 से 40 मरीजों की बजाय गरीबों और ज़रूरतमंदों की संख्या यहाँ पर 300 से 400 के बीच कम से कम ओपीडी में होनी चाहिए। जब हमारे पास मेडिकल के स्टाफ पूरा है तो दवाइयों की भी हमें पूरी करना चाहिए। और साथ ही मैंने कहा कि 25,000 रुपये जो मुझे बताया गया उस बिल्डिंग का किराया है, मैंने कहा सरकार का 25,000 रुपये माह में जाया नहीं होना चाहिए। मैं जगह उपलब्ध कराऊंगा और जो पैसा अस्पताल को बनाने में लगेगा उसकी भी मैं सरकारी स्तर पर व्यवस्था कराऊंगा, जिससे एक बढ़िया अस्पताल आयुर्वेदिक हमारे विधानसभा क्षेत्र में मिले और हमारी इस आयुर्वेदिक प्राचीन पद्धति के आधार पर लोगों का इलाज हो, जिसके आधार पर हमारे ऋषि मुनि 400 से 500 वर्षों से भी अधिक समय तक स्वस्थ रूप से अपने जीवन को यापन करते थे।